एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एलटी टेट की आंसर की, और आज है 10 जुलाई 2021। तो आज था एलटी टेट लैंग्वेज टीचर्स का टेट। सो हिंदी वाले जो लैंग्वेज टीचर्स हैं उनका टेट था। सो आज मैं उसके आंसर की लेके आई हूँ। सो लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 121 है, चंद्र नाहन झील किस जिले में स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा शिमला। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, साच पास हिमाचल के किस जिले में स्थित है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। 125 है, प्रसिद्ध रोयरिच आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, नागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रसिद्ध शिमला कालका रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी में। 128 है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरयू। 128 है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह। नेक्स्ट है 130, नेम द कंट्री हैविंग इट्स कैपिटल मैड्रिड। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। मैड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है। मैड्रिड कैपिटल जो है वो स्पेन की है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 131 है, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई इंडियन। 132 है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा से। 134 है, हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। 135 है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। नेक्स्ट है 137, बाबा कांसी राम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 139 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। 140 क्वेश्चन है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ईरान। 141 है, जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटले। 142 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्टेट फॉर्म द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कवरत्ती। नेक्स्ट है 144, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, शांता कुमार। नेक्स्ट है 145, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 146, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सो 147 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, भारतीय राजनीति में देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी, अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, विश्व में किस देश का संविधान सबसे लंबा है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी,
भारत का। सो फ्रेंड्स, ये है जीके सेक्शन की आंसर की। हिंदी सेक्शन की आंसर की भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर इस वीडियो में आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप इनबॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम के लिए सुधार कर सकें। थैंक यू।